मैंने डीप फ्रीजर के ऊपर अभी तक एक भी वीडियो नहीं बनाई थी, इसीलिए मैं डीप फ्रीजर के ऊपर एक वीडियो ये बना रहा हूँ। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे सामने किस तरह से क्या प्रॉब्लम आई और मैं उसका सॉल्यूशन किस तरह से करूँगा। पहले यहाँ से मुझे कस्टमर का फ़ोन आता है और मुझे ये कहा जाता है कि मेरा फ्रिज जो है वो 10-15 मिनट चलता है, उसके बाद 10-15 मिनट बाद ये बर्फ़ जमना बंद हो जाता है, यानी कि बर्फ़ नहीं जमता है। और चूँकि इसमें जो कंडेंसर का पाइप है वो बाहर भी है तो बाहर गर्म होता है, जिससे पता चलता है कि अंदर कूलिंग हो रहा है या नहीं। तो बाहर गर्म नहीं होता है तो कस्टमर मुझसे कहता है कि बाहर गर्म भी होना बंद हो जाता है 10-15 मिनट बाद। उसके बाद बंद करके दोबारा चालू करेंगे 15-20 मिनट के बाद तो फिर से कूलिंग होने लगता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम मेरे सामने था, तो मैं यहाँ पर साइड पर आ गया हूँ और मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या तकलीफ़ है और ऐसा क्यों हो रहा है। इस फ्रिज का गैस चार्जिंग पहले भी हो चुका है, यानी इस फ्रिज में गैस जो है वो पहले भी डाली जा चुकी है। इसके लिए यहाँ पे NRV लगा हुआ है, किसी ने पहले ही इस फ्रिज का गैस चार्जिंग किया हुआ है। तो इसमें सिंपल सा जो रीज़न है दोस्तों वो ये है कि ये हमारा फ्रिज जो है वो चोक हो जा रहा है। कुछ देर चलने के बाद इसका जो गैस होता है वो चोक हो जा रहा है स्टेनर में या कैपलरी में, या तो इसका गैस जो है वो फ़िल्टर में चोक हो रहा है या फिर इसका गैस जो है वो कैपलरी में चोक हो रहा है, लेकिन गैस फंस जा रहा है जिसकी वजह से ये कूलिंग नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप ये जो पाइप देख रहे हैं ये हमारा डिस्चार्ज पाइप है और ये उतना ख़ास गर्म नहीं है, यानी पहले तो ये गर्म रहता है। जब मैंने यहाँ पे आके देखा तो कूलिंग हो रहा था, उसके 15-20 मिनट के बाद मैं वहीं बैठ के ऑब्ज़र्व कर रहा था तो देखा मैंने कि कूलिंग जो है वो बंद हो गया है। और धीरे धीरे मैंने इस पर गेज में देखा, गेज मीटर में, कि उसका जो प्रेशर है वो जीरो से भी नीचे जा चुका है, यानी माइनस में जा चुका है उसका प्रेशर। तो प्रेशर माइनस में है, यानी कि कंप्रेसर जो है यहाँ से खींच रहा है प्रेशर, लेकिन उसको कुछ भी रिटर्न जो है वो कैपिलरी के बाद उसको रिटर्न कुछ भी गैस नहीं मिल रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से इस प्रॉब्लम को एकदम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एकदम 100% श्योर होके कि हाँ यही प्रॉब्लम है। तो इसमें मैं आपको कुछ तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप इसको पता कर सकते हैं कि ये फ्रिज जो है वो चोक ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे अगर नीचे की तरफ देख पा रहे होंगे तो नीचे इसमें बहुत सारा जो है वो बर्फ़ जमा हुआ है, यानी जैसे ये कूलिंग करता है उसके बाद नीचे जाके जैसे पानी उसका ठंडा होके नीचे जाने लगता है तो वो नीचे जाके जम जाता है। नीचे इतना टेम्परेचर जो है इस फ्रिज में बना है लेकिन वो चलता नहीं है, सिर्फ 15-20 मिनट चलता है, उसके बाद जो है ये बंद हो जाता है। और फिर दोबारा बंद करके इसको चालू करेंगे 20 मिनट के बाद तो फिर ये दोबारा से कूलिंग होता है। तो इसका मैंने एम्पियर मीटर भी लगा के देखा है, तो आप इसका एम्पियर देखिए, ये 1.2 के आसपास एम्पियर ले रहा है जो कि बहुत कम है। इस कंप्रेसर का जो एम्पियर है वो 2 एम्पियर के आसपास है, 1.8, 1.9 या फिर सीधा 2 एम्पियर, लेकिन ये बहुत कम एम्पियर ले रहा है। तो जिससे ये पता चलता है कि कंप्रेसर जो है वो बिना लोड का चल रहा है, यानी इस पे गैस का लोड जो है वो नहीं पड़ रहा है कंप्रेसर का। यहीं पे अगर ये गैस के साथ चल रहा होता तो इसका जो एम्पियर दिखा रहा है वो 2 एम्पियर के आसपास दिखा रहा होता। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि आपको पता चल जाए कि हमारा जो ये डीप फ्रीजर है ये चोक है। तो यहाँ पे तो NRV लगा हुआ था जिससे मैंने उसमें लगा दिया है गेज, और यहाँ पे गेज मीटर में मुझे दिख रहा है कि ये जीरो से नीचे आ गया है, यानी इसको जो है रिटर्न गैस कैपिलरी के बाद जो कूलिंग कॉइल है उसमें गैस नहीं आ पा रही है, जिसकी वजह से ये जो है ये सक्शन एकदम माइनस में भी जा चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे रिटर्न गैस कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आपके पास NRV वॉल नहीं लगा है तो आप किस तरह से पता करें कि ये फ्रिज जो है वो चोक है, तो सबसे पहले आपको इसका जो कंडेंसर का पाइप दिख रहा है वो चेक करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें डिस्चार्ज पाइप चेक करना है कि हमारा डिस्चार्ज पाइप जो है वो हीट हो रहा है या नहीं। अगर हमारा कंप्रेसर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो हमारा डिस्चार्ज पाइप नॉर्मल तरीके से वो बहुत ज़्यादा हीट रहेगा, यानी एकदम कॉमन सी बात है कि अगर हमारा कंप्रेसर गर्म रहेगा तो हमारा डिस्चार्ज पाइप भी थोड़े दूर तक गर्म रहेगा। तो पहले आपको ये चेक करना है कि हमारा डिस्चार्ज पाइप गर्म होना चाहिए गैस के सर्कुलेशन की वजह से, ना कि कंप्रेसर के हीट होने की वजह से। यानी गैस का सर्कुलेशन अगर रहेगा सिस्टम में तो और आगे तक, यानी कि पूरा कंडेंसर जो है वो पूरा कंडेंसर गर्म रहेगा। और कंडेंसर चेक करने के बाद आपको अगर वहाँ पे हीट लग रहा है तो आप कंडेंसर के थोड़ा और आगे देखिए। इसी तरह से आप कंडेंसर का जो रिटर्न है, जहाँ पे कंडेंसर ख़त्म हो रहा है उसके बाद जहाँ पे हम फ़िल्टर लगाते हैं, वहाँ पे आपको चेक करना है कि हमारा जो फ़िल्टर है वो गर्म है या नहीं। यानी वो पूरी तरीके से गर्म नहीं होगा, वो हल्का सा सिर्फ वार्म होगा, तो आपको उसमें
बहुत कम हीटिंग चेक करना है, वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हमारा कैपिलरी ट्यूब जो है उसमें से गैस जब पास होता है तो हमारे कूलिंग कॉइल में आता है गैस, और वो जो उसका प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है। वही प्रेशर हम यहाँ पे एनआरबी वॉल लगा के चेक करते हैं। तो अगर वहाँ पे प्रेशर कुछ बता रहा है इसका मतलब अंदर गैस है, सर्कुलेट हो रहा है। लेकिन अगर वो 0 के नीचे चले जाता है तो इसका मतलब कि सिस्टम चोक है, और अगर वो 0 पे आके रुक जाता है इसका मतलब कि सिस्टम लीक रहता है। तो लीक रहेगा तो भी हमारा जो डिस्चार्ज पाइप है वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा, और हमारा जो स्टेनर है वो भी गर्म नहीं होगा। अगर हमारे कूलिंग कॉइल में एक लाइन हल्का सा आइस आ रहा है तो इसका ये मतलब होता है कि हमारे सिस्टम में गैस है लेकिन वो चोक हो रहा है, वो अच्छी तरीके से सर्कुलेट नहीं हो रहा है सिस्टम में, इसकी वजह से कूलिंग नहीं हो रहा है। ये तो एक बेसिक वीडियो है डीप फ्रीजर का। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊँगा डीप फ्रीजर के ऊपर, जिसमें मैं आपको कंप्लीट तरीके से बताऊँगा कि उसमें किस तरीके के फॉल्ट आ सकते हैं और उनका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो हर तरह के फॉल्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, उन पार्ट का क्या काम होता है डीप फ्रीजर के अंदर, हर एक जानकारी आपको इस वीडियो के बाद में दूंगा। तो यहाँ पे मैंने अभी तक आपको ये बता दिया कि अगर आपका एक लाइन आइस आ रहा है तो इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है वो चोक है, क्योंकि गैस का सर्कुलेशन तो हो रहा है लेकिन बहुत कम हो रहा है, इसके लिए एक लाइन ही आइस आ रहा है। और अगर बिल्कुल भी कूलिंग नहीं आ रहा है, और अगर हमारे पास गेज लगाने की जगह है और गेज लगाने के बाद हम प्रेशर भी देख सकते हैं, और उस गेज में प्रेशर अगर 0 हो तो इसका ये मतलब होता है कि वो सिस्टम जो है वो लीक है। तो ये कुछ बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। इसके बाद आने वाली वीडियो में आपको और अच्छे तरीके से और भी बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी जानकारी मिल सके।